आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों को। लॉकडाउन की वजह से दूसरे जिले और राज्य में रहने वाले पीड़ित परिवारों व श्रमिकों को अब केवल प्रशासन से मदद की दरकार है। मजदूर और पीड़ित परिवार अब अपने घरों में जाने के लिए भटक रहे हैं। हालांकि प्रशासन ऐसे लोगों को उनके जिले व राज्यों में भेजने के साथ साथ स्थानीय लोगों को दूसरे राज्यों से बाहर लाने की कवायद में जुटा हुआ है। कुछ ऐसा ही नजारा आज रीवा के पुलिस कंट्रोल रूम में देखा गया, जहां छतरपुर का पीड़ित परिवार वापस घर जाने के लिए भटक रहा है। यह परिवार 15 से 20 लोगों का है, जो शहर के करहिया मंडी में रहकर अपना गुजर बसर करता है। लॉकडाउन की वजह से अब यह परिवार अपने घर जाने के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। बता दें कि जिले में कई ऐसे परिवार व मजदूर हैं जो दूसरे जिले व राज्य से हैं, जो अपने घर जाने के लिए प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल प्रशासन इस ओर कवायद कर लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहा है। क्या काम करते हैं? मजदूरी। यहाँ तो कहाँ काम कर रहे थे? कितने लोग का परिवार कब से फंसे हैं आप लोग? हम लोग 3 दिन से फंसे हैं, और है 100 परिवार है, 4 परिवार है, 3 दिन से डले हुए हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं हम लोग। यहाँ पे कहाँ काम करते थे? करहिया मंडी। क्या है, कहे का काम? वेल्डिंग का। वेल्डिंग का। अब क्या है, दिक्कतें आ रही हैं? घर जाना था, घर जाने के लिए परेशानी बढ़ रही है। किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई? जी हुई है, तो बोले हैं तो इधर किए थे बात, तो बोले कलेक्टर के पास जाओ, उधर बोले तो है नहीं है कलेक्टर साहब, इधर आ गए थे। आने आने की व्यवस्था तो हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं हो पाती आने जाने की, आप क्या करेंगे आगे? आने अब क्या करेंगे, आप ही लोग सहारा मांगेंगे, पैदल जाना पड़ेगा। फिर कहाँ जाओगे पैदल? छतरपुर। व्यवस्था नहीं बनेगी तो फिर जाना ही पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे भी हैं छोटे छोटे। जंगल वैसे पड़ता है हम जाने में।